हम लोग भी वेट कर रहे हैं वे लोग से मिलने के लिए पूरे एक साल के बाद। बैड लक हमारा तो काफी चक्कर हम लोगों का लग गया है। 40 डिग्री टेम्परेचर है सुबह के 11 बजे, तो आप देखते हैं उसको कैसे कन्विंस करते हैं। इतना बड़ा दुर्घटना हो जाएगा कभी सोचे नहीं। बाय बाय। आज सुनसु नानी घर जा रहा है अकेले मामा जी के साथ, हम यही रहेंगे। बाय दादाजी। बिट्टू दीदी रहती तो बाय दादाजी। बाय बाय पापा। बाय बाय मम्मी। बाय बड़ी बाप। बाय बड़ी मम्मी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से गाड़ी से ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और सुबह के बज रहे हैं 9। हम लोग निकल गए हैं हजारीबाग टू बोकारो, यानी कि ससुराल से मायके के लिए। तो ये आशु अंशु सब सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो के हम लोग तैयार हो के, एक घंटा हो गया हम लोग को निकले हुए और अब और एक घंटा लगेगा, मतलब हमारे घर से बोकारो तक के लिए 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। और भाई आ गया था लेने के लिए तो हम लोग उसकी गाड़ी से जा रहे हैं, और वो नहीं आता तो बस से जाते। तो यही है, अब चलते हैं हम लोग बोकारो। वहाँ किट्टू मिट्टू हम लोग का वेट कर रही है और हम लोग भी वेट कर रहे हैं वे लोग से मिलने के लिए पूरे एक साल के बाद, है ना। एक साल के बाद आशुन जो वही बोल रहे हैं मिट्टू बड़ी हो गई होगी, बोलने लग गई होगी। मिट्टू से मिलने का एक्साइटमेंट ज़्यादा है क्योंकि वो सिर्फ 2 साल की है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। तो चलिए चलते हैं, पहुँचते हैं और उससे भी मिलाते हैं, सबसे मिलाते हैं घर पहुँच के। चलो मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, एक ब्रेक लिए हैं, लंबा रास्ता हो जाता है। क्या हो गया, टाइम लग रहा है क्या? टाइम लग रहा है सुना रहा। अंशु का लॉजिक सुनो, क्या बोल रहा है? झूठ बोलने से नाक लंबा हो जाता है और मामा जी का नाक लंबा है। वाह, बैड लक हमारा, चाय नहीं मिला, दूध खराब था, फिर से दूध लाया, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए। अब चलेंगे आगे, आगे कहीं मिलेगा ढाबा तो फिर वहाँ पिएंगे। नीली चाय हमें मिल गया। जब तक हजारीबाग में रहे ससुराल में इतना सारा काम रहा, इतना बिजी रहे, बिल्कुल भी अच्छे से ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं हुआ। कल रात में मार्केटिंग करते करते इतना टाइम हो गया, रात में हम लोग 9:30 बजे आए घर और उसके बाद फिर सुबह सुबह हम लोग निकल ही गए। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा इस बार का, क्योंकि एकदम से शादी वाला जो प्लानिंग हुआ ना, एकदम से आ गया, शादी वाला डेट भी फाइनल हो गया। तो हम लोग एक ही बार शादी वादी कंप्लीट करके वापस ग्वालियर जाने वाले हैं। तो ये अभी बोकारो जा रहे हैं, फिर बोकारो से हजारीबाग आएंगे, उस टाइम शादी फिर निपटाना है, उसके बाद फिर बोकारो जाएंगे, फिर ग्वालियर जाएंगे। तो काफ़ी चक्कर हम लोगों का लग गया है। तो चलिए अभी कम से कम 10 दिन टाइम है, 10 दिन अभी रहेंगे बोकारो में, उसके बाद फिर हजारीबाग आएंगे शादी के लिए। तो शादी किसकी है? नीतीश भैया के, हमारे भांजे की शादी, नंद के बेटे का। तो लास्ट ईयर नहीं, 1.5 साल पहले पूजा का शादी हुआ था, जिनके यहाँ हम लोग गए थे अभी लास्ट टाइम खाने पे, उनका शादी 1.5 साल पहले हुआ था, उन्हीं के भाई का नीतीश का शादी है जून में, उसके लिए फिर हम लोग आएंगे बोकारो से। तो चलिए फिलहाल बोकारो पहुँचते हैं और बोकारो में इंजॉय करते हैं। वहाँ भी 10 दिन कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, बहुत फास्ट समय जाता है, आज यहाँ कल वहाँ, कोई मिलने के लिए आ रहा है, कभी मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे में पूरा दिन निकल गया इस बार तो हजारीबाग का। बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं और सबको बहुत खतरनाक वाला नींद आ रहा है, लेकिन गाड़ी में सो नहीं पा रहे, हर बार सो जाते थे, आसो उनसे तो सो ही जाता था, इस बार ये दोनों भी नहीं सोया, लेट रहा उठ रहा है, लेट रहा उठ रहा है, ये कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे पहले लीची, इसमें पानी, हाँ ये भी पानी में ही डुबा के रखा है। 110 रुपया उस दिन लेके गए भैया, 110 रुपये लेके गए भैया, कैसे अभी घटेगा? यहाँ पे आए मिठाई लेने के लिए, यहाँ पे काम चल रहा है, काफी बड़ा स्वीट का दुकान है। अच्छा इसको और बड़ा कर दिया है, चलें क्या, काफी बड़ा कर दिया अंदर में खाने पीने का भी, वैरायटी बहुत होता है यहाँ पे सब चीज। भाई 40 डिग्री टेम्परेचर है सुबह के 11 बजे, 2-3 बजते बजते तो लग रहा है कि 45-47 पहुँचेगा, बहुत तेज वाली धूप है। चलो फटाफट चलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। किट्टू मिट्टू के लिए थोड़ा गिफ्ट भी लेना है, हाँ यहीं पे देख लेते हैं ना आगे में।
तो बेचारी दो महीना से स्विमिंग पूल, बुआ मुझे स्विमिंग पूल चाहिए, और अभी हम लोग देखे वहाँ पे पसंद नहीं आया, जो चाहिए था वो चीज़ नहीं था, तो आप देखते हैं उसको कैसे कन्विंस करते हैं। हाँ चिप्स ले लीजिए थोड़ा, अच्छा आइसक्रीम ले लो, तो मिला नहीं, आप देखते हैं उसको कैसे कन्विंस करते हैं और कैसे वो शांत होती है। अभी आइसक्रीम ले लेते हैं, चॉकलेट और सब कुछ तो ले लिए हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ स्विमिंग पूल ही है, वो निकलता है कि नहीं निकलता ये जाने के बाद देखते हैं। आ गए अपने घर, अब देखते हैं कि किट्टू को कन्विंस, किट्टू का ही हमको डर लग रहा है। हानी आ गई अंदर, तो चलो कौन है लो। बाबू मिलो मिलो बाबू, किट्टू कैसा बाबू? अरे भाई तू खाना नहीं खाती है क्या बेटा? खाना नहीं खाती है? अब कहाँ है मेरा छुटकू? छोटी बाबू, ए ए आजा आजा कौन आ गया बेटा? कौन है? कौन है ये? कौन है बता दो। बैठो बाबू बैठो, आंसू बैठ जाओ बेटा। बैठ लो बेटा बैठो, पन्नी दीजिएगा, पन्नी फट गया। किट्टू लो बेटा, चलो बाबू लो। बहुत कुछ है, जा हैप्पी 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 हैप्पी। आपका स्विमिंग पूल ना बेटा मैंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, ऑनलाइन आ रहा है रास्ते में, ठीक है, फिर हम लोग सब मस्ती करेंगे पानी में, है ना? ठीक है ना बाबू? नहीं रहा है। नहीं है पापा? ओ पापा नहीं है, नाना जी नहीं है, चलो आएंगे तो मिल लेंगे, है ना? मम्मा मिट्टू कर, खाओ बेटा खाओ, कौन सा पसंद है किट्टू, कौन सा पहले खाएगी? ये वाला खा लो, खाओ। देखो इन लोग के आते के साथ मस्ती, सारा गेम आज ही खेल लोगे बेटा। स्पेशल दामाद स्पेशल, इतना सारा सब्जी चार को कटोरी में देते था ना भाभी, ऐसे सजा सजा के गोल गोल। चलो आसुम से खाना खा लो चलो। ये देखो नाना जी इनके आ गए, इनका सरप्राइज प्लान हो रहा है। क्या सरप्राइज देना है? गेट खुल पाई कि नहीं? अच्छा चल, अच्छा अच्छा सरप्राइज दे रही थी किट्टू, सरप्राइज है ना बेटा? हाँ खुश रहो बेटा, चलो। ओह खुश रहो बेटा। ऑनलाइन अब हुआ ना, स्विमिंग पूल मंगा दे रही है। हाँ हाँ इसके साथ खेलने में जो मजा है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं। इधर से बोला ऑनलाइन का, इधर सुनो सुनो सुनो, ये मेरा कुछ को मेरा टेडी भी है, मेरा टेडी भी है, टेडी भी है, टेडी भी है। इसे इसे अब इसको मिट्टू को फेंक दो। हो देखो देखो इधर ले जाएगा। हां आ जाओ मेरे पास, पहले सब लोग आ गए। ए बॉय ए बॉय मिट्टू मिट्टू ये बॉय। ओ फुचकू इधर ले को फुचकू, और स्नैक स्नैक खटा 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 बाबू, पकड़ो स्नैक को, पकड़ो स्नैक को, पकड़ो ऐसा स्नैक काटे काटेगा क्या? ओह काटा मुझे, भाग जाए।
मायके आने के बाद सबसे फेवरेट वाला काम बैठ के गप्पे करना, तो ये हम लोगों का रात तक चलते रहता है। शाम होता है फिर सब के सब निकल आते हैं, बाहर बैठे रहते हैं और कब रात हो जाता पता नहीं चलता। यहाँ आने के बाद कोई काम का टेंशन तो होता नहीं है, बस बच्चों के साथ खेलना मस्ती करना और बस बैठ के गप सप करना मम्मी पापा के साथ। और यहाँ का सबसे फेवरेट वाला चीज़ है मेरे लिए ये हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 25-26 साल पुराना एक्वेरियम है और बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, तो इसे देखना, मैं कई मिनटों तक बैठ के इसको देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। बहुत ही इतना बड़ा दुर्घटना हो जाएगा, कभी सोचे नहीं थे। कल पहला ही दिन में देखो क्या हो गया हमारे यहाँ। देखिए किट्टू को कितना सारा चोट लग गया। कल रात में आशु, अंशु और किट्टू मिट्टू चारों मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, क्या हुआ था बेटा बताओ? और किट्टू गिर गई, उसको पलंग से चोट लग गया, पलंग का जो लकड़ी होता है उससे उसका नाक ऐसे, रात में तो ज़्यादा दिख रहा था, अभी थोड़ा कम दिख रहा है। और किट्टू का ना पूरा चेहरा ही चेंज हो गया, ये पूरा एक साइड पूरा सूजन आ गया है। तो यही बच्चों को छोड़ दो अकेले मस्ती करने के लिए तो यही होता है। और तुरंत 5 मिनट ही हुआ था खेलते हुए और किट्टू गिर गई है ना। कैसे गिरी बेटा, कौन गिरा दिया? अंतु भैया। क्या कर रहा था बेटा, क्या किया अंशु भैया? धक्का दे दिया। बुद्धू बच्चा, अंशु भैया की डांट पड़ी है ना। तो यही है बच्चा लोग एक साथ होने से ना इनकी मस्ती कब यहाँ से यहाँ हो जाता है। क्या ऐसे ऐसे क्यों कर ले भैया, ये देखो ये भैया की बदमाशी है, सब जगह मस्ती चलता है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब यहाँ पे क्या प्लान होता है, आज तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, हम लोग यहाँ पे आए थे उसके दूसरे दिन कुछ स्पेशल है, वो शाम को सेलिब्रेट होगा है ना। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि आज क्या क्या स्पेशल है, कहाँ हम लोग जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।